This is a cantilever beam. One of end of a beam is a fix, and one end of a beam is a free to the air. We apply a load at the point A is 5 kN, at the point is 7 kN, at the point C is 6 kN. This is the point A, B, C, and D. Distances between the forces are given 2 meter, 2 meter, and 2 meter. We are interested to find out the shear force throughout the length of a beam. So the shear force at the point A. कैसे निकालेंगे पॉइंट के ऊपर? We draw a cut section at the point A. A point cut section draw कर लेंगे. इस A point के या तो left में algebraic sum कर लो या इसके right में कर लो. Including at the point A. A point को भी include करते हुए. ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? We are starting the problem. तो आपकी problems होती हैं cantilever. उसको solve करने का easiest method क्या है? कि हम right जो आपका free end है उधर से हम start करें और fixed end की तरफ approach करें. तो फ्री एंड है वहां से स्टार्ट करें और फिक्स एंड की तरफ अप्रोच करें. तो यहाँ पर जब फ्री एंड से फिक्स की तरफ अप्रोच करेंगे तो प्रॉब्लम किधर से किधर अप्रोच करेंगे? राइट टू लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे. तो दिस 5 किलो न्यूटन इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. हमें ए पॉइंट से पहले जो भी फोर्सेज लगे हुए हैं इन दिस राइट पोर्सन उन सभी को हम एड कर लेंगे. ए पॉइंट से आगे तो कोई बीम का पोर्सन है नहीं और ए पॉइंट पर कितना लगा? 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है. तो सभी कल्चर के सम करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 5 प्लस 5 किलो न्यूटन. Now we are interested to find the shear force just before B. ठीक है, B से just पहले, B पर पहुंचे नहीं अभी, तो हमने क्या कर लिया? B से पहले cut section draw कर लिया और इससे पहले जो भी beam है आपका right में, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे? सब algebraic sum कर देंगे. B पर भी हम रीच नहीं किया है, जस्ट उससे पहले है. तो उससे पहले कितने forces है? एक ही force है 5 किलो न्यूटन and that is vertically downward. So sign convention के according ये क्या हो जाएगा? Plus. और A से लेकर जस्ट बिफोर B तक और कोई फोर्स है नहीं, हम क्या कर देंगे? ठीक है, सिंपल, उसमें ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्लस 5 किलो न्यूटन जस्ट बिफोर B. नाउ फाइंड आउट द शियर फोर्स एट द पॉइंट B. B हम क्या कर लेंगे? B पॉइंट के ऊपर ही कट सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे. नाउ एड ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग पॉइंट B. B पॉइंट को इंक्लूड करते हुए B पॉइंट से लेकर A पॉइंट के बीच में जितने भी फोर्स का सबका समेशन कर दीजिए. Again, that is equal to shear force. That is equal to 5 plus 5 and 7. That is 12 kN. That is the shear force acting at the point B. Now, find the shear force at the point C. Just before the C. Just before C, kitna jayega? Add all the forces from A to C. Like a C per jo force lag, usko include nahin karna. Toh C per abhi hum poochte nahin. C is just pehle hai. कितने फोर्सेस लगे हुए? एक 5 किलोन्यूटन लगा हुआ है, एक 7 किलोन्यूटन लगा हुआ है, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 दैट इज 12 किलोन्यूटन. तो जस्ट बिफोर सी इज 12 किलोन्यूटन. नाउ फाइंड द शियर फोर्स एट द पॉइंट सी. सी पर निकालिए. हम क्या करेंगे? सी से पहले जितने भी फोर्सेज है बीम के ऊपर इन द राइट पोर्सन, जो राइट पोर्सन है जितने भी फोर्सेज लगे हुए सब ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 7 प्लस 6, 6 और ऐड हो गया तो दैट इज 12 किलोन्यूटन. नेक्स्ट Just before D कितना आ जाएगा? ठीक है, या तो हम ऐड कर ही चुके हैं, D का मतलब है कट सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लिया और इससे पहले for the cut section just before D, D से just पहले ड्रॉ कर लिया और इससे पहले राइट पोर्शन में जहाँ जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी को ऐड कर दीजिए. कितने फोर्सेज हैं? 3 फोर्सेज है, 5 प्लस 7 प्लस 6, तो दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर. व्हाट इज द शियर फोर्स एट द पॉइंट डी? तो हमें डी पर निकालने के लिए पता है यहाँ पे एक रिएक्शन भी निकलेगी लगी हुई जिसकी वैल्यू में निकाल ही नहीं है. यदि हम रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 18 किलो न्यूटन के बराबर ही आएगी. ठीक है, और वो किस डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड. तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 18 तो डाउनवर्ड लगे हुए हैं, डाउनवर्ड अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन. ठीक है, साइन कन्वेंशन अगर डाउनवर्ड फोर्सेज क्या लगे होंगे?